नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी खीर। ऐसा खीर आप बनाएगा इसके सामने सब मिठाइयाँ फैले, सब मिठाइयों से टेस्टी होता है। उसके लिए हमने 1.5 kg दूध लिया है। ये देखिए मेट्रो का दूध लिया है। आप कोई भी डायरी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरी दूध नहीं मिलेगा तो आप भैंस का दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो दूध गाढ़ा होता है। और 100 ग्राम चावल लिए हैं। चलिए हम आपको रेसिपी दिखाते हैं। ये देखिए हमने चावल को धो लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है। हम गोविंद भोग चावल से खीर बना रहे हैं, इससे खीर बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए हमने बर्तन चढ़ा दिया है, इसमें एक छोटा चम्मच हमने घी डाला है। ये देखिए ये गाय का घी है, आप भी डालिएगा। अब इसमें अपना चावल डाल देंगे। देखिए चावल डाल दिया है। अब इसे लो फ्लेम मीडियम फ्लेम में हम 1 मिनट तक भूजेंगे, इस तरह करके चला चला के मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 1 मिनट हो गया। अब हम इसमें एक छोटा ग्लास पानी ऐड करेंगे। ये देखिए हम पानी ऐड कर दिए हैं। अब ये पानी को हम सोक लेंगे हाई फ्लेम पे। बीच बीच में चलाइएगा वरना चावल चिपक जाएगा अंदर से। जब तक पानी सोखेगा नहीं तब तक हमको इसको पकाना है। अभी दूध नहीं डालना है। वीडियो पूरा देखिएगा वरना आपका खीर मेरे जैसे नहीं बनेगा। और अभी देखिए मीठा किसको ना पसंद है, मीठा सबको पसंद होता है। आप इस स्टेप से बनाइएगा तो सारी मिठाइयाँ खाना भूल जाइएगा। ये इतनी टेस्टी होती है। ये देखिए चावल उबलने लगे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं पानी पूरा सोख लिया है। अब इसमें हम 1.5 kg दूध ऐड करेंगे। ये देखिए हमने दूध ऐड कर दिया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। हम 100 ग्राम के करीबन ऐड करेंगे, क्योंकि दूध जमेगा ना, दूध अपने मीठा होता है, इसलिए हमने चीनी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, उसमें सिर्फ हम किशमिश ऐड करेंगे, क्योंकि हमको ज़्यादा ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप सब डाल सकते हैं। हम किशमिश ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे। आपको जितना ड्राई फ्रूट पसंद है आप उतना ऐड कीजिएगा। ये देखिए हम किशमिश ऐड कर रहे हैं। इसको मिलाएंगे, अब उबाल आने तक छोड़ दें। उबाल आने के बाद आपको चलाते रहना। हम खीर को हाई फ्लेम में ही पकाएंगे। ये देखिए हमारा खीर में उबाल आ चुका है। अब हमको इसको चलाते रहना है, ऐसे ऐसे करके चलाते रहना है वरना खीर गिर जाएगा। ज़्यादा दूर फेंकेगा तो मैं फ्लेम को मीडियम पे कर दीजिएगा। देखिए हम कभी हाई फ्लेम में ही पका रहे हैं। ये देखिए हम हाई फ्लेम पे ही पका रहे हैं। हमारा खीर में बहुत अच्छे से उबाल आ रहा है। बीच बीच में चलाते रहिएगा। ये देखिए हमारा खीर अभी पूरा रेडी नहीं हुआ है। ये फिर उसको और कम हो चुका है, और कम करना है हमको। ये देखिए हमारी खीर बन के रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। बहुत टेस्टी होती है ये। अच्छी होती है ना कि रसमलाई से भी अच्छी होती है। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही टेस्टी होती है ये। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।